नमस्कार। मुंबई एयरपोर्ट में लगातार सोने की तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामले में अंतर्राष्ट्रीय छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डे पर एक 27 वर्षीय शख्स को सोने की डस्ट की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बेल्ट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की लगभग 2.5 किलोग्राम सोने की डस्ट छिपा कर ले जा रहा था। आप सभी को बता दें, आरोपी मोहम्मद सलीम उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला है। कस्टम ने उसके खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम और 120B की धाराओं के अंतर्गत आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है। पूछताछ के दौरान सलीम ने बताया कि एक शख्स मुंडन उससे रियाद में मिला था। उसने उसे एक पार्सल मुंबई में किसी को सौंपने के लिए दिया था। आरोपी हालांकि ये स्वीकार किया है कि उसे पता था कि वह प्रतिबंधित सामग्री की तस्करी कर रहा था। सूत्र ने कहा कि सलीम ने पूछताछ के दौरान ये कबूला है कि उसे सोना की तस्करी के बदले में 20,000 रुपए का कमीशन मिलना था। तो दोस्तों, ऐसा ना करें, 20,000 रुपए के चक्कर में आपकी जिंदगी भी खराब हो सकती है। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। मुंबई महाराष्ट्र की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।